की कदापि न जाएं। जल अत्यंत ठंडा व बहाव बहुत तेज है, कृपया सावधानी पूर्वक स्नान करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपयोग किए गए प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे बोतल, खाद्य पदार्थों के पैकेट, कैरी बैग एवं अन्य ठोस अवशिष्ट कचरे को यात्रा मार्ग पर न फैलाएं। सुपर सनी डे है, मजा आ रहा है, बहुत ठीक टाइम पे हमने एंट्री मारी है गंगोत्री में। और कुछ दिन बाद मौसम बहुत ज्यादा खराब दिखा रहा है, स्नो भी पड़ सकती है शायद जब तक हम चले जाएंगे। और बहुत प्यारा मौसम है, जैसा कि गूगल मैप में दिखाया था कि ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट तो हो रहा है, शाम को हो रहा है। कुछ देर हम यही भी बैठ गए हैं किराए पे, वहाँ पे ब्रिज टूटा हुआ है, जिनकी कार फंसी हुई है वो तो उस तरफ से रास्ता जा रहा है, ये तो बंद किया हुआ है। और बस यहाँ पे कुछ बैठने का, मैं आशीष भाई, जोनी भाई अभी इधर ही बैठे हैं, फील कर रहे हैं सन को और गंगोत्री को, गाने चल रहे हैं स्पीकर में, मजा आ रहा है, हवा चल रही है। चलो कुछ टाइम लैप्स लेता हूँ यहाँ का। गंगोत्री में इंडियन पोस्ट भी है और ये सीजनल उप डाकघर है, सिर्फ सीजन में खुलता है। और देखो भाई, पत्थर तोड़ते हुए ये पहनना पड़ता हाथ में, नहीं तो ये हाथ में चोट लग जाती है ना। इससे चोट नहीं लगती ना ये पहन के, है ना, ये पहनना पड़ता है ना। ठीक है ठीक है, अभी हम गंगोत्री के उस हिस्से से इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पे भी कुछ होम स्टे देख रहे हैं हम। ये देखो ये कितना प्यारा लकड़ी का बना हुआ है। और भाई कितनी भीड़ होगी, ये बढ़ती जा रही है पूरी भीड़, और लाइन देखो कहाँ तक है, वहाँ तक पूरा ऐसे घूम के जा रही है ना। ये कितना प्यारा है, शांत। यहाँ पे बोर्ड लगा है अवधूत आश्रम का, पता नहीं इधर है कहाँ पर है, चलेंगे यहाँ भी ये ना, चले आ जाओ, ये तो शायद साधुओं का। कितना प्यारे प्यारे घर आ रहे हैं, ये कितना शांत है, ये देखो साधु रहते हैं इसमें। ये देखो कितना प्यारा है, गंगोत्री के थोड़े क्राउड से बाहर आ गए। ये ईशावास्यम है और उस तरफ मंगलम में हम रुके हुए हैं, बिरला में। और ईशावास्यम से जो अच्छी बिल्डिंग दिख रही थी वो ये रही, मुझे लग रहा है सिर्फ लेडीज़ लेडीज़ की है, तो देख लेते हैं फिर भी। सामने अवधूत आश्रम में एक विचित्र साधु रहते हैं, बिल्कुल गंजे और चमक है, चमक है इनके मुँह पे और सिर पे, बिल्कुल एक्टिव। ये पूरा अवधूत आश्रम है, कोशिश करेंगे यहाँ भी जाएं, गेट बंद था अभी तो। तो यहाँ पर ये रूम है, सिंपल से है, ये बाथरूम है छोटा सा, सब जगह ऐसे ही रहते हैं। ठीक है देख लिया, शांत है ना ये, थोड़ा सा हमने वहाँ से देखा था ना उससे, तो हमने लगा एक बार देख के आते हैं, पूछ के आते हैं। बहुत बढ़िया, व्यू भी अच्छा है। ठीक है, अब इस गेट के अंदर जा रहे हैं जो कि गंगा जी के राइट साइड में चलेगा, श्री विजय राघव मंदिर। ये एरिया हरसिल की तरह लग रहा है, जैसा हरसिल में है ऐसा है ये एरिया। एक कुटिया यहाँ पे दिखाई दी है प्यारी सी, इनका बारे में पढ़ना पड़ेगा। 1996 जून से 2010 2 सितंबर तक मौन व्रत रखा इन्होंने, वाल्यथी भरमदास मुनि बाबा गंगोत्री धाम। अच्छा ये पूरा जो एरिया है ना मुनि बाबा का ही है, वाल्यथी आश्रम। अच्छा ये वाल्यथी आश्रम है, मुनि बाबा के आश्रम के अंडर में आता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे किसी ने बल्ब चढ़ाया हुआ है क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। क्या शानदार बनाया हुआ है, और सामने मुनि बाबा आश्रम, उसके पीछे ग्लेशियर। मुनि बाबा आश्रम गंगोत्री धाम ये मेन है, चलो इसके साइड में पीछे चलते हैं। ये अच्छा मॉडर्न बना हुआ है, कैमरे भी लग रहे हैं, मुनि बाबा आश्रम गंगोत्री धाम। चलो भैया मिले। अच्छा इसमें सिर्फ हॉल है, कमरे इसमें पुराने में। चलो भाई यहाँ सीढ़ियाँ बहुत हैं हर जगह। ये रहा भाई लकड़ी का बना हुआ है, पूरा आश्रम वाला फील आता है यहाँ पे, है ना। कृपया आपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अरे वाह, तीन बेड है, चार। अरे वाह, पुराना पहाड़ी घर है ना। इसमें तो बहुत गर्म होता है। अच्छा वाइब्स भी ठीक आ रही है, चार्जिंग पॉइंट भी है।
तख्त है ना ये, एक ये पड़ा है बस, है ना। ठीक है, क्या प्राइस है इसका सर? वैसा 300 रुपए बंदा पड़ता है। अच्छा बंदा नहीं तो भंडारे वगैरह का क्या रहता है? भंडारा कैंटीन है सर, नीचे है। वो डोनेशन बेस पे है या फिर पैसों में? वो पैसों में। थाली मिलती होगी? कितने रुपए में वो है? 120। अच्छा 120 में। 150 लगा रहे गंगोत्री में। अच्छा आश्रम का रूल है कि नहीं? अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो फिर मतलब खाना कुछ वहाँ से अलग है, अच्छा है? क्योंकि वहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा कहीं भी। सर आप एक बार खाना खाओगे हाँ हाँ, फिर आप जब भी गंगोत्री आओगे आप जरूर यहाँ आओ। अरे वाह, अरे वाह, यही खाएंगे और कहीं नहीं खाएंगे। जयपुर वाले आए थे स्पेशल खाने खाने लिए आए। अच्छा उन्होंने कहा कमरा तो हमने ले रखा। अच्छा उधर आरसिल में। अच्छा कहीं खाना खाने लिए। अरे वाह अरे वाह, तो आज का दोपहर का लंच यही करेंगे जो आपकी इच्छा। चलो तो रूम का जो भी है क्योंकि वहाँ ना भेड़ चावल चलती है उस तरफ। बढ़िया है भाई, मोनी बाबा का आश्रम यहाँ से पूरा उधर हिमालय व्यू। तो यहाँ पे इनका नंबर ही है, कुछ भी पूछना हो कभी आना हो तो यहाँ फोन कर सकते हैं। ये किचन है, ये किचन है भाई, जो दिखा रहे थे आप ही बनाते हो किचन में, सेफ आप ही हो। अरे वाह बढ़िया है। तो भाई साहब बोल रहे हैं सबसे बढ़िया खाना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सफ़ेद अभी भर के लाए ना। तो ठीक है, हम मोनी बाबा की गुफा से आ गए हैं और गंगा जी के इस तरफ चल रहे हैं। उधर पार्ट कल हम जब गए थे तो उधर से गए थे पार्क के गेट तक, और यहाँ पर अलग अलग आश्रम दिख रहे हैं, महंत स्वामी, निरंजन चैतन्य, और ये है इनका छोटा सा आश्रम। हम आगे की तरफ जा रहे हैं इसे। दिखाना कितना प्यारा है ना, पर इसमें कीड़े अंदर है ना, पर है बहुत प्यारा बिल्कुल। कितना अच्छा डिजाइन है। ट्रैकर्स आ रहे हैं गंगोत्री से, गोमुख से आ रहे हैं। हमें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। जोनी भाई तो ऊपर भी गए थे देखने, वापस आ रहे हैं तो ब्लॉक ब्लॉक हो गया। और यहाँ से गंगा जी देखो, और सामने ट्रैकर आ रहे हैं गोमुख से, वो गोमुख वाला ट्रैक उस तरफ है, वो देखो वो गोमुख वाले ट्रैकर्स उधर हमें लगातार ट्रैकर्स दिख रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस टाइम वहाँ पर थे। तो ठीक है अब यहाँ से वापस चल रहे हैं। अब तो रूम पे जाने का मन कर रहा है क्योंकि सवा एक हो गया, कुछ खाएंगे फिर रूम पे जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे बाहर। यही मन कर रहा आशीष भाई का। जोनी भाई ने तो मोनी बाबा के आश्रम में भी अभी परांठा खा लिया था 50 रुपीज़ में। वैसे बढ़िया है ना, शांत है बिल्कुल। ठीक है, हमें ऊपर एक आश्रम दिख गया है वो वाला, वहाँ पे जा रहे हैं। पूरा चढ़ाई करनी पड़ रही है। ये है श्री हनु कुटीर, हनुमान जी का लग रहा है कुछ। बहुत ऊपर आ गए हैं गंगा जी से, मंदिर उधर है सामने। तीन बज के 6 मिनट हो गए, वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, तीन बज गए ऑलमोस्ट, और मेरे ख्याल से हम 2 घंटे यहाँ बैठे रहे होंगे। यहाँ पे एक माता जी मिली थी, बहुत बातें हुई, बहुत मन लगा, समय का पता ही नहीं चला। और भाई देखो विदाउट परमिशन, और ऐसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता इस तरह से, क्योंकि ये खुद सब सन्यासी हैं, और यहाँ आके भी मैं सब रिकॉर्ड करूँ और यूट्यूब पर दिखाऊँ तो वो ठीक नहीं लगता। अगर आप खुद आओ और खुद एक्सपीरियंस करो। तो वापस भाई मोनी बाबा के आश्रम आ गए हैं, और यहीं पर भैया ऑर्डर दे दिया, अब खाते हैं खाना, 3:30 बज रहे हैं। अब ये फटाफट बना रहा है 20-25 मिनट में। तो भैया ने भैया खाना बना ही दिया, हमने वेट कर लिया, भूख बहुत लग रही थी, और बहुत बढ़िया दाल आलू भैया बना रहे थे, आलू गोभी। मैंने कहा आलू गोभी मत बनाना, पत्ता गोभी डालते, ये ठीक है टमाटर आलू, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब रोटी बनाओगे? तो अपना खाना आ चुका है, चलो रेडी खाते हैं भाई, 4 बजे हो रहा है आज। भाई भैया ना अपनी जुबान पर खड़े उतरे, इन्होंने बोल दिया था ऐसा खाना खिलाऊंगा गंगोत्री में नहीं खाया होगा। 120 रुपये की थाली है, पर मज़ा आ गया। चक्की का आटा है, कोई मैदा नहीं है, आलू बहुत साफ़ सुथरे हैं, मज़ा आ गया। और दाल में सब चीज़ में, कभी गंगोत्री आओ ये आ जाना भैया मोनी बाबा आश्रम, और खा लेना यहाँ पे आके। भाई इनके चावल भी पास कर दिए मैंने, बहुत बढ़िया चावल हैं। चलो भैया को बोल दिया है कि खाना बहुत बढ़िया था, और अब चल रहे हैं रूम पे। भैया को बोल दिया बेसन का हलवा बना लेंगे शाम को, और आलू ज़बरदस्ती ये रहेंगे, और लोकल राजमा। वैसे तो लोकल हरसिल का कहाँ मिलता है, लेकिन हरसिल के इधर उधर का जो भी लोकल होगा वो दे देना। हमारे पास जो यहाँ मंदिर में पंडित जी है हाँ, वो इधर से ही है, मुखबा से। अच्छा मुखबा से है, तो मुखबा कहाँ? मुखबा
अरे वाह रे वाह। तो भाई मुकमा के इन्होंने अभी चावल बनाए थे, वो अच्छे लगे थे, और राजमा भी मुकमा का है। आज डन है आपके यहाँ खाना? जवान दे दिया तो जवान दे दी बस, ठीक है। ओके ठीक है, आते हैं ना। ओके, सो गोइंग बैक टू रूम। और भाई मुझे लगी है ठंड, मुझे कपकपी सी उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे बर्फीली ग्लेशियर की हवा चल रही है। रूम में जाने का मिल नहीं रहा, थकावट हो रही है। पतली सी विंड शीटर लिया आया था, अब जैकेट पहनूंगा, अब रूम पे चलते हैं, आराम करते हैं। और भाई फाइनली खाना अच्छा मिल गया है यहाँ पे, जिसकी तलाश थी। ये बहुत ठीक है ये वाला खाना, तो डिनर भी यहीं पे करेंगे। भाई 4:15 बजे का नज़ारा देखो गंगोत्री टेम्पल का। और अभी ना लोगों की जो लाइन थी वो सब खत्म होगी, कोई नहीं दिख रहा, खाली है। इस टाइम खाली हो जाता है, तो आप कभी आओ तो ये समझो कि 3-3:30 बजे के बाद ही आना, जब तक लोगों की लाइन ख़त्म हो जाती है, आपको भीड़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। बैक टू रूम, अब यहाँ पे कुछ देर सोते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7:15 और हम सब उठ चुके हैं यहाँ पे। आशीष भाई को भी उठा दिया है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप लेके ही बाहर जाऊँ, यहाँ पर रखा हुआ था, अब लैपटॉप लेके ही बाहर चलते हैं। तो भाई बिरला मंगलम के रिसेप्शन पे ये लड़का मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, इसको पूछ रहा हूँ कहाँ से, बैंगलोर से आई है। इसके मम्मी, तुम्हारे मम्मी पापा ट्रैक करने गए हैं? तो ये भी गया था इंडिया आइस के साथ ट्रैक करने, परसों गए ना मॉर्निंग में, कल सुबह। तो इसका सांस, तुम्हारा सांस कहाँ पे फूल गया था? 20 रास्ते पे, मतलब चिड़वा सा? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में फूल गया। तो फिर वापस किसके साथ आया, अकेला? हाँ। अकेला आ गया धीरे 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 धीरे। अरे वाह, फिर तो बढ़िया। ये मम्मी पापा बैंगलोर से है ना, तो ये वापस आ गया। कल हम जाएंगे चिड़वा सा, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहेंगे? मेरे पास है। अच्छा अच्छा, तो इसके मम्मी पापा कब आएंगे? कल? नहीं, 23 को। हम सोच रहे हैं कल चीड़वासा तक होके आए, जा सकते हैं ना? आराम से। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, सुबह जाएंगे, 8 बजे भी गए, 9 बजे भी गए, तो आराम से जाके आ सकते हैं ना। वो पता नहीं, लेकिन रुकने का तो सिर्फ चीड़वासा में ना, उससे आगे तो कहीं रुकने का नहीं है ना। चीड़वासा फिर भोजवासा, फिर भोजवासा है। अच्छा, भोजवासा में भी नहीं? नहीं, हम तो बस यहीं चीड़वासा तक ही जाएंगे। आप तो गए होंगे, जाते रहते हैं? नारे हाँ जाते रहते, मैं एक बार गया बस, बहुत कर। अच्छा, फिर मत नहीं है। आज हम शाम के समय बाहर निकले हैं, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। और भाई अब विंड शीटर नहीं पहनी, अब तो मैंने ये भारी वाली नीली जैकेट पहन ली है, क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकते, काफ़ी ठंडा माहौल है। वाओ, सुपर। सो आज सैटरडे इवनिंग है, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं सैटरडे शाम को भी, बस इतने होते नहीं है नॉर्मली। मार्केट में दोबारा से चहल पहल, शाम का समय गंगोत्री मार्केट, और 2-3 बार हमने गंगापुत्र पे खाया है, जो कि अच्छा नहीं लगा। कितना प्यारा दृश्य है, बहुत। सेविंग का कितना है? 50 रुपए। गंगोत्री में नाई की दुकान, प्यारी प्यारी है। गंगा माँ की मूर्ति क्रोकोडाइल पे बैठी हुई है, ये गंगा माँ की फोटो है मूर्ति। ये भी देखो गंगा माँ, ये है गंगा माँ, गंगा माँ की सवारी है क्रोकोडाइल। शाम के समय भी देखो क्लियर, कितना क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है, और ये काले काले पहाड़। या तो ये इसी टाइम दिखेंगे इवनिंग में, या अर्ली मॉर्निंग। काम धेनु गाय दिखी है, देखो किस तरह से इनका मुँह है और किस तरह से सींग निकले हुए हैं। तो यहाँ पे मूंगफली की दुकान भी मिल गई है। तो भाई गंगोत्री में मार्केट में खड़ा था, ग्रीस भाई मिले हैं मेरे को, इन्होंने तुरंत मुझे पहचान लिया, काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे बात हुई है। ये भी बड़ो से रमाला से, तो दिल्ली रहते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है इनका यूट्यूब चैनल, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, हाँ तो अच्छा लगा, चलो कोई तो मिला भाई यहाँ पे, हम 3-4 दिन से घूम रहे हैं। तो इन्होंने भी मंदिर के पास रूम लिया अभी 800 रुपये में, और बाकी अभी इवनिंग में
रूम ढूंढने निकले हैं इधर उधर, मिलेगा तो हम भी इनकी हेल्प करेंगे। गंगोत्री धाम का बोर्ड भी देख लो और पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है गंगा माँ के बारे में। तो दूध ले रहे हैं भाई यहाँ से, और आज आशीष भाई दूध नहीं पियेंगे, मगर जोनी भाई पियेंगे तो आधा लीटर भी ले रहे हैं। ये वाला दिखाना, ये ठीक है। हाँ कितने रुपए का? 37 रुपए का, पर देख लो कितना मांग रहे हैं, 45 मांग रहे हैं। तो हर चीज़ पे 10 रुपए महंगा है भाई, 10 रुपए। तो पहुँच गए हैं डिनर करने वहीं पे, जहाँ पे दोपहर को लंच किया था। तो गिरीश भाई को भी इतने साथ ले आए भाई, मैंने कहा और कहीं नहीं मिलेगा, हमारा एक्सपीरियंस तो काम आए आपके, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर रूम भी हैं, वो भी देख लेना। भैया राजभोग खिला रहे हैं गंगा माँ का, और एक्चुअली कल भी वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी ना, मारती में गए थे राजभोग ले लो, तो हमने राजभोग मिस कर दिया था, तो यहाँ मिल गया। लाओ जी, ये कौन लेके आया? ये पंडित जी है ना जो गंगा माँ, ये तो हलवा है। हाँ, राजभोग बनता है तो हलवा तो मिल गया यार, हमें हलवा ही चाहिए था। तो भाई अपना राजमा आ चुका है, कौन से गाँव का? मुखबा का। मिर्ची की खुशबू आ रही है। अरे वाह, मुखबा का राजमा है भाई, लोकल मुखबा का राजमा। बस चलो ठीक है गिरीश भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं कल। हो सकता है ट्रैक पे, व्हाट्सएप कर देना, मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा। हाँ, जहाँ भी रहेंगे हो सकता साथ में चल लें, क्योंकि सुबह ये जाएंगे उसमें पांडव गुफा। अच्छा। फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ करेंगे, गाड़ी में सामान रखूँगा मैं अपनी, फिर निकलूँगा। अच्छा। तो ठीक है, ये थे गिरीश भाई जो कि अपने ही सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर मिल गए। और छोटू यहीं बैठा जब से, क्या देख रहा है? IPL एग्जैक्ट 9:45 हो रहे हैं और वापस हम अपने रूम पे आ चुके हैं। बस जल्दी से मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, जितना लेट करूँगा उतना दिक्कत हो जाएगी। आज था सैटरडे, कल संडे और परसों मंडे को हम वापस ट्रेवल करेंगे देहरादून के लिए। और कल संडे में हम सोच रहे हैं कि चीड़वासा तक घूम के आएँ, आपको चीड़वासा तक घुमाओ। 9 किलोमीटर जाना है, 9 आना है, 18 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और वहाँ पर राम मंदिर है, वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर कुछ खा लेंगे जो मैंने अभी कल दिखाया था आपको, जो गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर। तो चीड़वासा की ब्यूटी भी रिकॉर्ड करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। सुबह ये पांडव गुफा रहेगी, उसमें जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे। फिलहाल तो यही है भाई गंगोत्री में, आप मेरे साथ बने रहिए सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।